दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। लागत में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो इस मशीन के जरिए आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं, और इस मशीन के जरिए आप दो तरह से कमाई कर सकते हैं। यदि आपका बजट ज्यादा है तो आप खुद से रॉ मटेरियल्स खरीद बॉक्स तैयार कर मार्केट में बेच सकते हैं, या फिर आप अलग अलग कंपनियों से कॉन्टेक्ट कर उनकी प्रिंटेड सीट को अपने यहाँ कार्ट पर सीट के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्वीट बॉक्स मेकिंग बिजनेस के बारे में। इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि इस बिजनेस के लिए मशीन और रॉ मटेरियल आप कहाँ से खरीद सकते हैं, आपको क्या बिजनेस लाइसेंस लेने होंगे इस बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए, और मैं आपके साथ कुछ मार्केटिंग टिप्स भी शेयर करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस मशीन के जरिए प्रोडक्ट्स को तैयार करने की, तो इस मशीन के जरिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं, जैसे स्वीट बॉक्स, मोबाइल फोन के बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स और चप्पल के बॉक्स, परफ्यूम के बॉक्स, पेपर कप ब्लैंक, आइसक्रीम कप ब्लैंक या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट्स इस मशीन के बिना नहीं तैयार हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि बॉक्स तैयार होते कैसे हैं, और उसके लिए सबसे पहले पेपर की शीट्स पे प्रिंटिंग की जाती है अगर प्रिंटेड बॉक्स बनाने हैं तो, और फिर प्रिंटेड शीट्स को इस मशीन के जरिए उसे उस बॉक्स के साइज में काट लिया जाता है। और दोस्तों, अगर आपको प्रिंटेड बॉक्स बनाने हैं तो दोस्तों, मिठाई की दुकानें आपको हर मार्केट में मिल जाएंगी, और इन दुकानों को मिठाइयां पैक करने के लिए पैकिंग बॉक्सेस की हमेशा जरूरत बनी रहती है। स्वीट बॉक्सेस को घर में बना के इन मिठाइयों की दुकानों में सेल किया जा सकता है। बड़ी ब्रांड्स वाली शॉप्स को हाई क्वालिटी के स्वीट बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। स्वीट बॉक्सेस की डिमांड हर साल बनी रहती है, मगर फेस्टिवल्स के समय में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। ये बिजनेस एक कम इन्वेस्टमेंट और ज्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस है। इस बिजनेस में आपके टारगेट कस्टमर्स मिठाई की दुकानें, बेकरी शॉप्स और फूड कैटरर्स होते हैं। आप इन मिठाई के बॉक्सेस को मार्केट में जो पॉपुलर साइजेस हैं उनके अनुसार बना सकते हैं। फेस्टिवल के समय में आप नए अट्रैक्टिव डिजाइन के स्वीट बॉक्सेस बनाएं। बिजनेस लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको और GST रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल की बात करें तो आपको इस बिजनेस के लिए प्रिंटेड हार्ड पेपर, जिसे क्राफ्ट पेपर भी कहा जाता है, की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ आपको कुछ स्टेपलर्स और पिंस भी खरीदने होंगे। आपको इस बिजनेस को चलाने के लिए 200 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत पड़ेगी। मशीन की बात करें तो आपको स्वीट बॉक्स मेकिंग मशीन खरीदनी होती है। इस मशीन में एक डाई यूज की जाती है जो आपको पेपर की कटिंग करके दे देती है। प्रिंटेड हार्ड पेपर, जो एक तरह का क्राफ्ट पेपर होता है, आपको करीब 20 रुपए से लेकर 25 रुपए किलो में मिल जाएगा। 1 किलो पेपर में आप 900 स्वीट बॉक्सेस बना सकते हैं। ये मशीन 1 घंटे में करीब 5,000 बॉक्सेस तैयार कर देती है। आप इस बिजनेस से 1 दिन में करीब 3,000 से 5,000 रुपए तक कमा सकते हैं। मार्केटिंग की बात करें तो आप अपने स्वीट बॉक्सेस को लोकल मिठाई की दुकानों और बेकरी की दुकानों में सेल कर सकते हैं। आप बड़े ब्रांडेड स्टोर्स को भी अप्रोच कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। बड़े ब्रांड्स को सेल करना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हाई, प्राइसेस अट्रैक्टिव और बिजनेस लीड्स की जरूरत पड़ेगी। आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ भी टाई अप कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन स्वीट बॉक्सेस बनाने के बिजनेस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।
अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि अपनी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।